भगवान श्री राम के असली वंशज आज भी जिंदा है। आखिर कौन है ये श्री राम के असली जिंदा वंशज? क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम के देह त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आखिर कैसे भगवान श्री राम के जाने के बाद उसके संतान लव और कुश ने राज्य को संभाला और कैसे सूर्यवंशियों का वंश आगे बढ़ा? शायद आप नहीं जानते होंगे कि लव और कुश के बाद इतने सूर्यवंशी राजा हुए कि उसके वंशज आज भी जिंदा है। लेकिन वो कहां पर है और किस हालत में है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। रावण का अंत करने के बाद जब श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या में ले आए, तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। जब श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, तब वह वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने के लिए चली गई, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि श्री राम का माता सीता के प्रति प्रेम ही था, जिन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वह सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोने की गुड़िया इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। आइए जानते हैं जब भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया तो उसके बाद रघुवंशियों का क्या हुआ? आखिर किसने शासन किया? भगवान श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां पर शासन संभाला। उन्होंने कुमुदवती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने और उनके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषद और निषद के पुत्र हुए नल, नल के बाद हुए नभ। इस तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहद बल तक। बृहद बल का जिक्र इतिहास में कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में किया गया है। भगवान श्री राम के ही वो वंशज थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इस विषय में हम पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, जहाँ पर आप महाभारत का पूरा वर्णन जान सकते कि किस तरह से बृहद्बल ने युद्ध लड़ा था। कहते हैं कि चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु और बृहद्बल के बीच घमासान युद्ध हुआ था और अभिमन्यु के प्राण घातक तीर से बृहद्बल की मृत्यु हो गई। हमारे पुराणों में भी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो दो पुत्रों का जिक्र है। भरत के दो पुत्र हुए तारक्ष और पुष्कर, वही लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु, वही शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और शूरसेन। कहते हैं मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था। कहते हैं जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तब उस समय में भरत का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन भरत जी नहीं माने। उन्होंने दक्षिण कौशल प्रदेश में लव और उत्तर कौशल प्रदेश में कुश का अभिषेक कर दिया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान श्री राम ने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। वही रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विध्यांचल पार करना पड़ता था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के विलासपुर जिले में है और कौशल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद में वह लोहपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान स्थिति लाहौर ही है। यहाँ तक कि इनके एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहां उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक भी सूर्य है। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजवंश की थी, जिसमें बैसल और गहलोत वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती राज्य की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के विलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी राजवंश के वंशज थे। शायद इन्हीं कुछ कारण से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है।
साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कछवा राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। वहीं जेपी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ ऑथेंटिक इंडिया के अनुसार कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा, इसी कारण इतिहास में कुश के वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र भी है, जिसमें से एक नाम गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को ही जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्म आनंद ने हरा कर अयोध्या को कब्जे में ले लिया था। और ये समय ईसा पूर्व से 365 से लेकर 420 तक रहा होगा। वहीं भारत के सर्वोच्च अदालत ने ये भी आगे जाकर पूछा कि क्या राम के आज भी कोई वंशज अस्तित्व में है। तब जयपुर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं के नाम क्रम अनुसार लिखे हुए थे और इसमें राम के वंशज के रूप में 289 में नंबर पर आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था। और इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम मिलता है। तो इस तरह से आज भी ये वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम भगवान श्री राम के ही अंश हैं, क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत था।